गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। तो गाइस आज फिर से पास किला लेकर आ गए हैं पालियाँ निकालने के लिए, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो 3 पालियाँ निकाले हैं अभी, और आगे पापा निकाल रहे हैं, और मैं पास किलर को लाया था। अभी दूसरे खेत में भी थोड़े से निकालने हैं, लेकिन वो आधा थोड़ा सा गीला खेत है, तो इसलिए पहले इसमें आए हैं। तो आगे पास किलर चालू है, और गाइस अपना धन जो है वो कट चुका है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और मिट्टी का थोड़ा लिया, और कोलम के खेत वाला थोड़ा सा लिया, वो भी दिखाऊंगा। तो आगे पास किलर को आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना पास किलर, और ये एक और ये 3 निकाले हैं अभी, आगे आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी थोड़ा सा पास किलर दूसरे पालिया में आ गया था, ये यहाँ पे पहले निकाले थे ये रहे, लेकिन बारिश की वजह से ये पूरे ऐसे हो गए। तो अभी फिर से निकाल रहे हैं, और थोड़े आगे ज़्यादा गैप रखते हुए निकालने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं निकालने हैं, ये इस तरह के ही निकालने हैं। अभी लाइन में आ गया है अपना पास टिलर, और अभिषेक भाई के लिए ये वीडियो रहेगा। अभिषेक भाई, ये आपका पास टिलर कमेंट का है, इसमें ये लग जाएगा कि नहीं लगेगा वो मुझे बताना, मैं आपको पूरा लास्ट में दिखाऊंगा ये कैसा है रिगर। अभिषेक भाई है वो फार्मिंग एरिया वाले। अपना पावर टिलर पहले गियर में ही चल रहा है, क्योंकि इसका इंजन हमने रिपेयर किया था, इसलिए ये अभी ज़्यादा चाल पे नहीं है, इसलिए और अभी ज़्यादा लोड भी नहीं देंगे, इसलिए पहले में ही चला रहे हैं। तो गाइज मैं आपको आगे मिलता हूँ ये खेत ख़त्म करके फिर बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अपनी, और कोई देखने वाला देखता नहीं है फिर। तो मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। सुनील का जो नाम है। तो गाइस अभी कचरा निकाल रहे हैं, और यहाँ पे काम खत्म हो गया है, ये खेत में है, और वहाँ पे भी, यहाँ पे लौकी की खेती होने वाली है, इसलिए ज़्यादा दूर निकाले हैं पालिया, वो वाले खेत में भी ऐसे ही निकाले हैं। और अभी घर चलते हैं, या खबर आई तो निकालते फिर बाद में घर। तो गाई जी अपना धान है, ये सूख गया है, इसको घर ले जाना है, फिर बाद में इसको छोड़ेंगे, यानी इसके दाने सूते होंगे घर जाके फिर। तो अभी ले जाते हैं, ये अपना खेत है, ये अभी इसके भारे बना रहे हैं। तो अभी हमें कोलम का भात भी देखने जाना है धान, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी कोलम के खेत में आ गए हैं, और यहाँ पे ये पानी जा रहा है, ये पहले मैं पार करता हूँ, फिर आपको बाद में मिलता हूँ। तो गाइस ये अपना कोलम का धान है, ये कुछ इतना बड़ा हो गया है, और ये अभी थोड़ा सा
तैयार नहीं हुआ है, अभी देर लगेगी थोड़ी तैयार होने में। ये देखिए आप लोग, सफेद सफेद। तो गई ये कुछ ऐसा है अपना धान, और ये बाजू वाला धान है, ये अभी रेडी हो गया है ये। और गाई ये अपना मिर्ची का खेत है, यहाँ पे आप लोग मिर्ची देखिए, ये इतनी बड़ी हो गई है, और कहीं पे अभी मर गई है, यहाँ पे रोपी है हमने। और ये अपनी हल्दी भी है साथ में, और परवल भी है साथ में, आपको दिखाता हूँ। और ये मिर्ची पे अभी वायरस लग गया है, ये थोड़ा सा बिगड़ गया है। और ये आप छोड़ देखिए, ये कितना बढ़िया है, और मिर्ची कितनी बढ़िया लगी हुई है।